बदला काफी जल्दबाजी में लिया गया था और इसके पीछे उसका कोई दूसरा मकसद नहीं था। टीना ने जल्दबाजी में एक अनजान इंसान से शादी की थी, मगर सच तो ये था कि अब वो अपना फैसला ले चुकी थी और उसे इस पर कोई पछतावा नहीं था। आगे चलते हुए टीना ने ऑटो को रोका और उसे अपने घर का एड्रेस बताकर आराम से ऑटो में बैठ गई। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी हो गई थी। वो अपने गले में पहना हुआ मंगलसूत्र देखने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक रात में ही उसकी जिंदगी इस तरह से बदल जाएगी। कल इस वक्त वो बहुत खुश थी कि वो प्रणय से शादी करने वाली है, मगर आखिर में क्या हुआ? उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रणय उसे इस तरह से धोखा दे देगा और वो किसी और के नाम का मंगलसूत्र पहनेगी। एक बार फिर प्रणय के धोखे के बारे में सोचकर टीना की आंखों से आंसू बहने लगे। अब वो उस इंसान के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। वो अपने दिल से उसकी सारी यादें मिटा देना चाहती थी, क्योंकि अब उसके गले में रणविजय का बांधा हुआ मंगलसूत्र था। अब इस जिंदगी में सिर्फ रणविजय ही उसका पति है। प्रणय के बारे में सोचने का मतलब है रणविजय को धोखा देना, और टीना तो प्रणय जैसी धोखेबाज नहीं थी। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि ऑटो ड्राइवर ने उसे रोते हुए देख लिया है। उसने तुरंत एक रुमाल लिया और अपने आंसू साफ करने लगी। तभी अचानक उसका फोन बजने लगा। ये प्रणय का कॉल था। वो थोड़ी देर के लिए कुछ सोचती रही और आखिर में उसने एक फैसला किया और फोन उठा लिया। हेलो टीना, तुम इस वक्त कहां पर हो? फोन की दूसरी तरफ से प्रणय की आवाज आई। टीना ने काफी मुश्किल से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया और जवाब दिया, मैं अभी अभी रजिस्ट्रार ऑफिस से निकल रही हूं और अब ऑटो में अपने घर जा रही हूं। आज यूसुफा का एक बहुत जरूरी प्रोग्राम था, लेकिन वो बाथरूम में फिसल कर गिर गई है और उसके पैर में मूंछ आ गई है। अब उसकी जगह तुम्हें तैयार होकर वो प्रोग्राम अटेंड करना होगा। मैंने मेकअप आर्टिस्ट से बात कर ली है, और तुम्हारा मेकअप अच्छे से करने के बाद किसी को पता नहीं चलेगा कि वो तुम हो, प्रणय ने काफी ऑफिशियल टोन में कहा। टीना बिल्कुल चुप रही और उसने कुछ नहीं कहा। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? यूसुफा को चोट लग गई है, इसलिए मैं तुमसे ये करने के लिए कह रहा हूं, प्रणय ने कहा। टीना को समझ नहीं आ रहा था कि प्रणय, जो कि एक एंटरटेनमेंट कंपनी का मालिक था, वो एक मामूली सी मॉडल यूसुफा की इतनी चिंता क्यों कर रहा था। मगर उसने कभी प्रणय को गलत नहीं समझा, वो उस पर बहुत भरोसा करती थी। अब तक कई बार वो स्टेज पर यूसुफा बनकर जा चुकी थी और उसकी जगह ले चुकी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका टैलेंट किसी दूसरे इंसान के नाम से दुनिया के सामने आएगा, लेकिन अब जाकर उसे समझ में आ रहा था कि उन दोनों ने उसे पागल बनाया था। उन दोनों ने उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया था। तुमने अभी अभी मुझे बताया कि उसे बाथरूम में गिरकर चोट लग गई है, तो ऐसे में मीडिया को पहले से ही सब कुछ पता होगा ना? फिर मैं उसकी जगह लेकर प्रोग्राम में कैसे जा सकती हूँ? टीना ने पूछा। मैंने उन लोगों को बता दिया है कि बेशक यूसुफा को चोट लग गई है, मगर फिर भी वो दर्द के साथ ही परफॉर्म करेगी। तुम सिर्फ मेरे ऑर्डर को मानो और मुझसे कोई सवाल मत करो। अब चलो जल्दी आकर तैयार हो जाओ, प्रणय ने ऑर्डर देते हुए कहा। आखिर उसकी हिम्मत हुई भी कैसे? क्या इन दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? वो उसको यूसुफा की जगह लेने के लिए भी कह रहे थे। टीना पहले भी ऐसी बेवकूफी कर चुकी है। क्या उस बेशर्म इंसान को ये लगता है कि वो उसकी नौकर है? वो जो चाहेगा उससे करवा लेगा और टीना के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो इस पूरे खेल को यहीं के यहीं खत्म कर देना चाहती थी। टीना काफी देर तक चुप रही और उसके बाद उसने प्रणय की बात मानते हुए कहा, ठीक है प्रणय, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे उस जगह का एड्रेस और टाइम व्हाट्सएप कर देना और मैं वहां पर पहुंच जाऊंगी। जैसे टीना ने उसकी बात मान ली, तभी प्रणय की आवाज काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गई और उसने कहा, टीना हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। अगर तुम यूसुफा की मदद करोगी तो वो अपने करियर में आगे बढ़ेगी और ये हमारी कंपनी के लिए अच्छा होगा, है ना? ठीक है प्रणय, मैं उसे उसके करियर में बहुत ऊंचाई पर ले जाऊंगी, तुम बस देखते रहना, टीना ने अपनी बातों में एक दूसरे मतलब के साथ कहा। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, उसके बाद हम दोनों डिनर पर चलेंगे, इतना कहकर प्रणय ने फोन रख दिया। प्रणय को अब भी नहीं पता था कि टीना को उसकी असलियत का पता चल चुका है। वो अभी अपने बेडरूम में बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड के सुंदर चेहरे को देख रहा था। तब तक टीना अपने घर पहुंच चुकी थी। ऑटो से उतरने के बाद वो अंदर चली गई।
घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले इस बारे में अपनी एजेंट रितिका को बताया। रितिका ने गुस्से में आकर जवाब दिया, मिस्टर प्रणय चाहते हैं कि तुम एक सेकंड ग्रेड मॉडल का रोल करो, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा है ना, वो लड़की तुम्हारे टैलेंट का इस्तेमाल करके अपनी करियर में आगे बढ़ रही है। टीना तुम बहुत बोली हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, रितिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है रितिका, मैं पहले ही हाँ बोल चुकी हूँ, टीना ने जवाब दिया। टीना क्या तुम सच में उसकी जगह लेने वाली हो? उसके मैनेजर को उसकी काफी चिंता हो रही थी। टीना और यूसुफा दोनों ने प्रणय की एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन अपने इस फैसले की वजह से टीना सामने नहीं आ सकती थी। यही वजह थी कि इसके साथ साथ उसकी मैनेजर को भी काफी नुकसान झेलना पड़ रहा था। बेशक रितिका टीना की मैनेजर थी, लेकिन वो दोनों बचपन की दोस्त थे। टीना जानती थी कि रितिका को सिर्फ इस बात से प्रॉब्लम थी कि टीना के साथ गलत हो रहा है। रितिका, मैं इस तरह की बेवकूफी अब और नहीं करना चाहती, अब वो लोग जब चाहे तब मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैं अब ये सब नहीं होने दूंगी, टीना ने आराम से जवाब दिया। टीना की बात सुनने के बाद रितिका धीरे से स्माइल करने लगी और उसने कहा, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे दिमाग में कोई ना कोई प्लान चल रहा है ना? रितिका, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं करती, तुम्हें इस प्लान को पूरा करने में मेरी मदद करनी ही होगी। मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ टीना, तुम मुझे अपना प्लान बता सकते हो, रितिका ने आराम से जवाब दिया। टीना ने फैसला कर लिया था कि अब इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेगी, वो सिर्फ अपनी मैनेजर और दोस्त रितिका के ऊपर यकीन करती थी, इसीलिए उसने अपना सारा प्लान उसे बता दिया। वो लड़की ये सारा ड्रामा सिर्फ इसीलिए कर रही थी ताकि उसे टॉप 10 मॉडल का अवार्ड मिल जाए, इसलिए वो मीडिया और लोगों को ये यकीन दिलाना चाहती है कि पैर में चोट लगने के बावजूद भी दर्द में परफॉर्म करती रही। वो इस वक्त अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं उससे मिलने जाना चाहती हूँ, क्या तुम उसमें मेरी मदद करोगी, टीना ने पूछा। मैं तुम्हारा प्लान अच्छे से समझ चुकी हूँ, तुम लोगों को ये बताना चाहती हो ना कि यूसुफा प्रोग्राम के वक्त सारे टाइम हॉस्पिटल में थी, रितिका ने हैरानी से पूछा। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन मेरे पास एक और बड़ी न्यूज है, यूसुफा प्रणय के बच्चे की माँ बनने वाली है, तुम्हें मेरी ये बात सबके सामने लाने में मदद करनी होगी कि प्रणय ने मुझे यूसुफा की जगह पर काफी बार परफॉर्म करने के लिए कहा है। इसके साथ साथ तुम्हें आज होने वाली सारी प्रोग्राम की डिटेल भी मुझे देनी होगी। उसकी बात सुनकर रितिका पहले तो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, मगर बाद में उसे सब कुछ समझ में आ गया था। प्रणय और यूसुफा ने मिलकर टीना को बेवकूफ बनाया था और उसका फायदा उठाया था। ये सच में बहुत गलत बात थी कि टीना उन दोनों की सारी बात मानने के लिए तैयार हो जाती थी, लेकिन अब वो सब कुछ समझ चुकी थी। ये देखकर रितिका ने राहत की सांस ली। तुम चिंता मत करो टीना, मैं तुम्हारे हर प्लान में तुम्हारे साथ हूं, रितिका ने उसे हिम्मत दी। लेकिन टीना ने कोई जवाब नहीं दिया, वो किसी सोच में डूबी हुई थी। वो सोच रही थी कि जिस तरह से उन लोगों ने टीना के साथ गलत किया है, वो भी उन लोगों को उसी तरह से सबक सिखाएगी। सब कुछ अच्छे से प्लान करने के बाद टीना ने अपना सारा सामान पैक किया और अपनी कार से उस जगह के लिए निकल गई जहां पर वो इवेंट होने वाला था। वहां पर उसे यूसुफा की असिस्टेंट से मिलना था। वो थोड़ी सी मोटी और हंसमुख थी, उसकी उम्र करीब 30 साल के आसपास थी। वो मैरिड थी और काफी टैलेंटेड भी थी। उसका नाम श्रद्धा था। वो टीना को यूसुफा की तरह तैयार करने में मदद करती थी। आज तक भी किसी को ये शक नहीं हुआ था कि वो यूसुफा नहीं बल्कि टीना है। टीना को देखकर श्रद्धा ने आराम से स्माइल की। बेशक अभी टीना को ज्यादा लोग नहीं पहचानते थे, लेकिन एक समय पर लोग उसके दीवाने हुआ करते थे। आइए मिस टीना, आपने इतनी देर क्यों कर दी, चलो आकर बैठो, मैं जल्दी से आपका मेकअप शुरू कर देती हूँ, श्रद्धा ने जल्दबाजी करते हुए कहा। आज किस तरह का प्रोग्राम है, टीना ने आराम से चेयर पर बैठते हुए पूछा। ओह, ये ज्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है, वही नॉर्मल प्रोग्राम, श्रद्धा ने झूठ कहा, मगर सच तो ये था कि ये एक ज्वेलरी कंपनी का बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम था। अगर सब कुछ अच्छे से हो जाता है तो उसके बाद शायद यूसुफा उस बड़ी ज्वेलरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेती। और एक सच तो ये भी था कि यूसुफा बाथरूम में गिरी नहीं थी और उसके पैर में भी चोट नहीं लगी थी, वो बस प्रणय और टीना की शादी को रोक देना चाहती थी, लेकिन उसे आज के इवेंट में भी जाना था और अगर वो चली जाती तो फिर प्रणय को काफी शक होता।
इसीलिए उसने फैसला किया कि वो अपनी जगह पर टीना को वहां भेज देगी ताकि उसे बिना किसी मेहनत के आराम से वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। लेकिन अगर श्रद्धा उसे सच नहीं बताती तो क्या टीना को कुछ भी पता नहीं चलता? वो यूसुफा की जगह पर उस प्रोग्राम में जाने वाली थी, इसीलिए उसने उस ज्वेलरी कंपनी के बारे में सारी डिटेल पहले से ही पता कर ली थी। लेकिन यूसुफा की असिस्टेंट ने जानबूझकर टीना से झूठ बोला। अब तक टीना को यही लगता था कि सब कुछ काफी सिंपल और अच्छा है, मगर अब वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। यूसुफा की हालत काफी ज्यादा खराब है, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही है। आपने ये सब सोचा और आप उसकी मदद करने के लिए आए, इसके लिए थैंक यू सो मच। अब मैं आपका मेकअप स्टार्ट करूंगी, आपकी सारी ज्वेलरी यहाँ पर आ चुकी है, आपको इस तरह से उन्हें डिस्प्ले करना है। उसके बाद श्रद्धा ने टीना को आज का सारा प्रोग्राम समझा दिया और सारी डिटेल्स दे दी। उसके बाद उसने उस मेकअप आर्टिस्ट को भी बुला लिया जिसे टीना का मेकअप करना था। क्या प्रणय और यूसुफा को ये लग रहा था कि ये मेकअप करने के बाद लोगों को ये लगेगा कि टीना ही यूसुफा है? टीना अब अपने आप को धोखा देने वाले लोगों को अच्छे से सबक सिखाने वाली है। वो कहते हैं ना कि एक अच्छे इंसान का गुस्सा सबसे ज्यादा खराब होता है। अब तक जो एक सीधी सादी लड़की थी जो प्रणय की बात आंख बंद करके मान लिया करती थी, मगर अब वो इतनी भोली नहीं थी। अब वो एक नया जन्म ले चुकी थी तो वो अपना बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वहीं दूसरी तरफ रणविजय का असिस्टेंट टीना की हर हरकत पर बहुत ध्यान से नजर रख रहा था। उसने उस ज्वेलरी इवेंट के बारे में भी सारी डिटेल पता कर दी थी जिसमें टीना यूसुफा की जगह जा रही थी। रणविजय ने तुरंत अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दिया और कहा, मैं इस ज्वेलरी इवेंट में जाना चाहता हूँ, जल्द से जल्द मेरे लिए इसका अरेंजमेंट करो। यस सर। वैसे तो ये रणविजय के हिसाब से काफी छोटा इवेंट था, मगर फिर भी रणविजय वहां पर जाकर टीना की परफॉर्मेंस देखना चाहता था। शाम के टाइम पर प्रोग्राम म्यूजिक के साथ शुरू हो गया था। अपना मेकअप खत्म होने के बाद टीना शीशे के सामने खड़ी होकर अपने मेकअप को देख रही थी। उसने व्हाइट कलर की एक ड्रेस पहनी थी जो उसकी बॉडी पर काफी अच्छी लग रही थी। वैसे तो वो ड्रेस काफी सिंपल थी, मगर फिर भी वो टीना के ऊपर काफी एलिगेंट नजर आ रही थी। वो किसी सुंदर गुलाब के फूल की तरह नजर आ रही थी। वो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। श्रद्धा काफी हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। ये सच में बहुत सुंदर है। अगर उसे अच्छे से गाइड किया गया होता तो ये एक दिन बहुत ही बड़ी मॉडल बन गई होती। इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता और ये इतनी टैलेंटेड है तो आज ही यूसुफा के लिए जरूर एक बड़ी डील हासिल कर लेगी, श्रद्धा ने अपने मन में सोचा। टीना तुम्हें स्टेज पर ही उड़ती हुई चेयर के साथ लाया जाएगा। ये उस ज्वेलरी कंपनी की चूड़ी है जिसका आज एडवर्टाइजमेंट होने वाला है, इसे पहन लो। उसके बाद श्रद्धा ने आराम से टीना के हाथ में चूड़ी पहना दी। टीना यूसुफा से कहीं ज्यादा पतली थी, इसीलिए वो चूड़ी उसके हाथ में काफी बड़ी आ रही थी। अगर वो अपना हाथ ऊपर उठा रही थी तो वो चूड़ी नीचे फिसल रही थी। ये चूड़ी खासतौर पर ज्वेलरी कंपनी के मालिक की बेटी के लिए डिजाइन की गई थी। उस चूड़ी के बीचों बीच क्राउन के डिजाइन में एक बड़ा सा डायमंड लगा हुआ था जिसके दोनों तरफ मार्बल स्टार लगे हुए थे, जिसका मतलब ये था कि माँ बाप दोनों अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये तो तुम्हारे साइज का है नहीं, तो फिर तुम इसे कैसे पहनोगी? कैसे पहनने का कोई और तरीका है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना चाहिए, श्रद्धा ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। क्या तुम्हें मेरे ऊपर यकीन है? टीना ने पूछा। सच बताऊं तो इस वक्त मुझे सिर्फ तुम पर ही यकीन है, श्रद्धा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। इस वक्त मॉडल पर यकीन करने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ये सब कुछ यूसुफा के लिए हो रहा था, और अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसके बॉस उसे छोड़ेंगे नहीं। मुझ पर यकीन करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, टीना ने कहा। जल्दी से तैयार हो जाओ, अगली बारी तुम्हारी है। जल्दबाजी की वजह से श्रद्धा टीना के दिमाग में चल रहा प्लान नोटिस नहीं कर पाई।